अवतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनीयोदय भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनीयोदय जानी जिय दैवी जन कमल सब फूले श्रीवल्लभ प्राकृत रूप देखे आसुर सृष्टि मोहित अति विदुष वृंद विदित विद्या शास्त्र भान भूले भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनी कलिकलुष हरन हरि आपु आपुनो वदन वन्हि वैनिज दासन दरस आए दीनो द्विज वर अवतार धरि प्रेम पूर्ण भक्ति करी सिखये निज दास सब गुण गन प्रवीनो सिखये निज दास सब
तंड अवनि उदय श्रुते पथ भयो प्रकाश मायावाद तिमेर गयो सुभग मूरति निरखि निरखि उपजो आनंद मन वच कर्म करी कहत गोविंद जप किए सहज सो पई हैं सुखद आनंद भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड अवनि जानी जिए दैवी जन कमल सब फूले स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापी रहो त्रैलोक्य माही बिन साधन ब्रजपति को सौंपत बिन साधन वल्लभ वर दृढ़ कर गही बाही स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस उर आनंद न समात पुष्टि जन करत अहर्निश यही गुणगान पटुतर तनक न पावत को सुर नर जन सब करत बखान स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस भूत भविष्य श्रवण नहीं सुनियत करि करुणा अब दरस दिखायो करुणा
यह निधि साधन ते नहीं पैयत श्री विठल पद रज गोविंद शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस व्यापि रहो त्रैलोक्य माई बिन साधन ब्रजपति को सौपत वल्लभ वर दृढ़ कर गहि बाही स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षम को जस पूर्व प्रसंग में अपन ने ये देखियो सबसे पहले कि जो पुष्टि जीव हैं उनके लिए पुष्टि भक्ति चिकित्सा सु कहीं अधिक स्वास्थ्य ही है, साथ साथ जो स्वास्थ्य हुए है स्वस्थ व्यक्ति को यदि व्यक्ति स्वस्थ रहे है तो जन्म से लेके वार्धक्य पर्यंत भी स्वस्थ कोई रह सके है। ऐसे ही भक्ति अपने जन्म या जन्म से भी पीछे जानो होए तो गर्भावस्था तक में भी अपन जा सकें। आप जानते होंगे कि आजकल डॉक्टर हैं वो सोनोग्राफी वगैरह से गर्भ में बालक स्वस्थ है कि नहीं वो भी देखते हुए हैं। सो गर्भ से लेके और आजीवन स्वास्थ्य हो सके, स्वस्थ होए तो यही तरह से भक्ति भी अपनी गर्भावस्था से लेके और पूर्ण विकास तक स्वस्थ अथवा पुष्टि जीव को स्वास्थ्य रूपा हो सके। जाके संदर्भ में मैंने आपको कल ये बात बताई थी अज्ञे ज्ञानाय शास्त्रज्ञ दंभ दर्प निवृत्तये ब्रह्मज्ञ मुक्तये मुक्ते भक्त्यर्थम भक्तिरीरिता। साथ ही साथ ये बात भी बताई थी कि भक्ति को जो कमल है वाकु जहां वो जहां वाकी जड़े हैं जहां वो जन्म ले रहे है वहां से वाकु ऊपर उठना पड़ेगो और ऊपर उठ के आवे कली के रूप में आवे
तब वाकू खिलाने को, वाकी सुगंध बढ़ाने को, वाकी शोभा बढ़ाने को काम सूरज करे। ऐसे ही आज जो अपने पुष्टि मार्ग में एक दुविधा चल रही है लोगन को कि हमारो प्रमाण को मार्ग नहीं है, प्रमेय को मार्ग है, हमारो साधन नहीं है, हमारो तो फल है। पर एक बात समझो कि प्रमाण और प्रमेय स्वयं और साधन और फल स्वयं अन्योन्याश्रित हैं। अकेलो फल कभी फल हो नहीं सके, अकेलो प्रमेय कभी प्रमेय हो नहीं सके। प्रमेय को प्रमेय तभी कहो जाए कि जब कोई प्रमाण सुसिद्ध होए। यदि प्रमाण सुसिद्ध नहीं है तो वो प्रमेय नहीं है। यह बात को ध्यान से समझो, वस्तु अपने आप में वस्तु है, पर जब कोई प्रमाण सुवा को जानी जाए तब वह वस्तु को प्रमेय कहो जाए। जब प्रमाण सु नहीं जानी जा सकती होए तो वह प्रमेय को प्रमेय नहीं कह के वस्तु कहो जाए। तो जब अपन प्रमेय बल प्रमेय बल प्रमेय बल के झंडा फहरा रहे हैं, ये कितना सोचे समझे बिना फहरा रहे हैं कि अपन वाकु प्रमेय है ऐसे खंडन करके केवल वस्तु है ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो केवल वस्तु तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि केवल वस्तु यदि है कि नहीं है वहां में प्रमाण क्या। अभी समझा मैं कहूं मेरे हाथ में एक वस्तु है, बताओ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको? कोई प्रमाण मैंने खोलू और आपको आंख सु दिखे तो आंख सु दिखने के प्रमाण सु कोई चीज दिखती हो तो वो वस्तु प्रमेय कही जाएगी। आंख के दिखने के प्रमाण सु दिखती नहीं हो तो वो वस्तु है कि नहीं है या में भी संदेह हो जाएगा तो आपके प्रमेय होने को तो सवाल ही कहां से पैदा हुआ। जैसे मैं अक्सर बताऊं कि भतीजा नहीं पैदा हुए होए तब तक आदमी काका नहीं कहला सके। कितनो ही बड़ो होए, 25 बरस बड़ो होए, भाई पर वो व्यक्ति को काका यदि बनना है तो भतीजा को पैदा होना पड़ेगा। ऐसे कोई वस्तु को यदि प्रमेय बनना है तो कोई प्रमाण सुसिद्ध होना पड़ेगा। यदि प्रमाण सुसिद्ध नहीं है तो वस्तु प्रमेय नहीं होके वस्तु रह जाए है, और वस्तु जब रह गई तब वो है कि नहीं है या बात को भी संदेह है। सो कितनी मूर्खता की अपन बात कर रहे हैं जा वक़्त अपन ये कहें कि हम प्रमाण बल में नहीं माने हैं, हम तो प्रमेय बल में माने। मतलब क्या, मतलब क्या याको, बेमतलब बात है। ऐसे ही हम साधन बल में नहीं माने फल में माने, तो फल तो कोई साधन सु सिद्ध हो तो होए वा को नाम फल है, जो साधन सु ही सिद्ध नहीं हो तो होए वा को फल कैसे कहा जाएगा। जो सिद्धि नहीं हो रही हो वा को फल कैसे कहोगे। तो कोई ना कोई साधन सु जो वस्तु सिद्ध होती होए वह को ही फल कहो जाए, जैसे प्रमेय प्रमाण सुसिद्ध को फल कहो जाए, प्रमेय कहो जाए, प्रमाण सुसिद्ध वस्तु को जैसे प्रमेय कहो जाए, ऐसे साधन सुसिद्ध होती वस्तु को फल कहो जाए। भयंकर भ्रांत धारणाएं फैला रखी हैं कि हमारो फल को मार्ग है, साधन को मार्ग नहीं है। तो भाई फल को मार्ग मैंने काय को फल, यदि वह को साधन ही नहीं है तो वह की फल रूपता ही संदिग्ध है, और जब फल रूपता संदिग्ध है तो सब बात चौपट हो गई। मैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, साधन भी गए और फल भी गए। तो यदि अपने को साधन फल को पकड़ना है
तब भी साधन पकड़ना पड़ेगा। यदि अपने को प्रमेय को पकड़ना है तब भी प्रमाण को पकड़ना पड़ेगा। और प्रमाण और साधन इनसु प्रमेय और फल सिद्ध होंगे, सिद्ध होंगे। और ये बात सच है कि प्रमाण और साधन के बजाय प्रमेय और फल को कुछ उत्कर्ष है, या में तो कौन इनकार कर सके, या में कोई इनकार करने की बात नहीं है। पर ये उत्कर्ष को अपन या तरह से सोचने लग जाएं कि हमको प्रमाण चाहिए ही नहीं, हम प्रमाण को विचारेंगे नहीं, हमको प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, हमको साधन चाहिए नहीं है, तो एक बात सीधी सी आपको बताऊं कि अपने माथे को संस्कृत में उत्तमांग कहो जाए। उत्तमांग को मतलब क्या कि अपने शरीर को सबसे ऊंचो अंग। तो वो अपने शरीर को सबसे ऊंचो अंग कब ऊंचो अंग है, जब शरीर पर रखे वो काट के अलग कर दियो तो जमीन पर लौटने लग जाएगा, वो उत्तमांग नहीं रहते, अधमांग हो जाएगा। बाकी उत्तमांगता या माथा की उत्तमांगता, उत्तम मने सबसे ऊंचो अंग, माथा को इतने को उत्तमांग कहा जाए। तो ये माथा की जो उत्तमांगता है वो काय पे निर्भर है। जब धड़ पे माथा रखे भयो हो तो यदि गिलेटिन सु काट के उड़ा दियो और जमीन पे लौटने लग गए हो वो तो पैरन की तरह अधमांग हो गया, उत्तमांग कहाँ रह गयो। ये अपन सोचे नहीं है कि माथा की उत्तमांगता वाके धड़ पे मौजूद रहने पे है, यदि धड़ पे मौजूद नहीं है तो माथा उत्तमांग नहीं है। ऐसे ही फल और प्रमेय उत्तमांग हैं, ऐसे ही प्रमेय और फल उत्तमांग हैं, पर उनकी उत्तमांगता उनके प्रमाण और साधन के धड़ पे मौजूद रहने पे है, वरना वो भी अधमांग हो जाएंगे। या बात को भूलना नहीं चाहिए, बेवकूफ बना में अपने को लोग के हम प्रमेयवादी हैं और प्रमेयवादी हैं, हम फलवादी हैं। अरे क्या बेवकूफी की बात है, कैसी बेवकूफी की बात है, कभी सोचे नहीं अपन। तो या रहस्य को समझाने के लिए भी कल मैंने वो कमल को आपको बताया तो कि एतावत सरसिज कृत्यम सरसिज कुडमलस्य कृत्यम हित्वाम्भ सरसि बहिर्विनिर्गमोयत आमोदो विकसनम इंदिरा निवासो तत्सर्वम दिनकृत कृत्यमामनंती। सूर्य करेगो, सूर्य करेगो, निश्चित करेगो, ये सारे सुगंध, ये सारा खिलनो और वो बाकी शोभा, वो सब सूर्य बढ़ाएगो। पर बढ़ाएगो कब, कि कमल की नाली पे टिक्यो भयो कमल पानी सु बाहर आवे, तब सारे काम सूर्य करेगो। तो वो जो है वो साधन है, और वह कमल को खिल जानो, वह में सुगंध आ जानी, वह में शोभा आ जानी, वो प्रमेय बल है, वो फल है कमल को, वो सूर्य करेगो, वो अपना भक्ति मार्गाज मार्तंड काम करेगो। मगर अपनी तैयारी होनी चाहिए कि अपन भक्ति मार्गाज मार्तंड को रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। जो कल बात मैंने आपको समझाई थी कि अपन खोटी धारणा बांध के बैठ जाए कि वल्लभ है झाल्यो मारो हाथ, इनो मने भारे भरोसो। अरे पन तने भारे भरोसो, पर इने तारो भरोसो छे के नहीं, जो एने तारो भरोसो न होए, एने तारा ऊपर भरोसो न होए, तो गाते ही रह जाओगे वल्लभ है झाल्यो मारो हाथ इनो मने भारे भरोसो। तने भरोसो छे पन एने तो तारा ऊपर भरोसो नहीं आवतो ना, केम के तू धड़ अने माथा ने कापी ने जुदा करे छे। आवा खतरनाक तालिबान ऊपर भरोसा केवी रीते करवो, ये गंभीर समस्या है। तो ये गंभीर समस्या को जब तक अपन समझे नहीं तब तक या ढोल गाने को कोई मतलब नहीं कि वल्लभ झाल्यो मारो हाथ कि इनो मने भारे भरोसा। या बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। या प्रसंग में मैंने ये भी बताने को प्रयास कियो कि जैसे कृष्ण अखंड है, अखंडम कृष्णवत सर्वम यथा तत्व निरूपितम,
वो कृष्ण की अखंडता, कृष्ण की अखंडता वाक्य ब्रह्म होने के किनारा पे भी है, वह कृष्ण की अखंडता वाक्य परमात्मा होने के किनारा पे भी है, वह कृष्ण की अखंडता वाक्य भगवान होने के किनारा पे भी है, वह कृष्ण की अखंडता वाक्य वृज में अवतीर्ण होने के किनारा पे भी है, और वाही कृष्ण की अखंडता आपके घर में विराजमान ठाकुर जो आपकी सेवा ले रहे है वह में वह कृष्ण की अखंडता समाई हुई है। वह अखंडता को जब तक आप नहीं पहचानोगे तब तक आप कृष्ण के लिए भक्ति को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से दे नहीं सकोगे। जब आप खंडे करोगे वह कृष्ण में, तब वो कृष्ण यदि अखंडित हो गयो तो कृष्ण खंडित हो गयो फिर आपकी भक्ति अखंडित रह नहीं पाएगी। यह रहस्य को अपने को समझना चाहिए अच्छी तरह से, और वह अखंड कृष्ण के अखंडम कृष्णवत सर्वम, तो वो अखंड कृष्ण के प्रति अखंड भक्ति को स्वरूप क्या है वाकु बताते भाई। कल मैंने आपको ये भी समझाया तो कि बहुत भक्ति जो है एक लहरा तो भयो सागर है, जाके बहुत सारे किनाराएं हैं, सारे किनाराएं पे वो भक्ति लहरा रही है, और उन किनारा पे लहराती भाई भक्ति अखंड है। किनाराएं सब खंड खंड एक दूसरे से अलग अलग हैं, हर किनारा दूसरे किनारा से अलग होएगो, हर किनारा को शेप, हर किनारा की मट्टी बालू, हर किनारा को सीनेरियो जो है वो अलग अलग जात को होएगो। कहीं जो है वो नारियल के पेड़ होंगे, तो कहीं पहाड़ होंगे, तो कहीं बस्ती होएगी, तो कहीं मरीन लाइन पर वो त्रिपाद जमे हुए देखे ना, त्रिपाद वहाँ फंसा रखे ना, तो सब किनारा के अलग अलग सीन हो सके हैं। उन किनारा के अलग अलग सीन में सागर एक अखंड लहरा रहे है। ऐसे अपनी धारणा, अपनो निश्चय, अपनी रुचि, अपनो कृति, अपनी कृति, अपनो मने श्रद्धा, अपनी श्रद्धा, अपनो विश्वास, अपनो जो है वो आदर को भाव, अपनो भीति को भाव, अपनो जो है वो आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान को भाव, इन ये सब जो हैं वो किनारे हैं, जिन किनारान पे भक्ति को सागर एक अखंड भक्ति को सागर लहरा सके है। पर वो अखंड भक्ति को सागर लहरा रहे है या लिए वो अखंड भक्ति के सागर को इन किनारान में कैद करने को, खंडित करने को मनोभाव महाप्रभु जी को मान्य नहीं होएगो। ये सारी बात मैंने आपको कल समझाई थी। वाक्य तहत मैंने आपको आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान तक के जो नौ फैक्टर हते भक्ति के, फैक्टर कहो किनारा कहो बात एक किए के, वो मैंने कल समझाए। आज अपन वासु आगे के कुछ किनारान को देखेंगे, कुछ किनारान को अपन परिचय प्राप्त करेंगे। हर वक्त जा भी किनारा को अपन परिचय प्राप्त करें, वहाँ में ये बात सावधानी से आपको समझ के ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो किनारा पे भक्ति को सागर लहरा तो होए, तो वाकु किनारा को इनकार करके सागर की अखंडता सोचनो, अथवा सागर की अखंडता को इनकार करके किनारा के खंडन में ही अपने आप को उलझा देनो, ये दोनों बातें भक्ति के स्वरूप को अनादर है। क्यों? क्योंकि कोई भी सागर यदि बिना किनारा को है तो फिर वह को सागर कहने के बजाय अपने को क्या कहना है समझ नहीं आएगा। कई तरह के शास्त्रों में, हमें एक लिंग्विस्टिक शास्त्र भी हो गए अंग्रेजी में, माने भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र में मैंने एक बड़ा मजेदार उदाहरण पढ़ो। वहां में आपको लेखक क्या है, वो भाषा शास्त्र के भी दोनों तरह के रूप हैं, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल। तो कोई लोग भाषा लिंग्विस्टिक्स जो को थ्योरी के बारे में एनालिसिस करते हुए कुछ वाक्य प्रैक्टिकल भी वाक्य डिस्कस करें, एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस, और
सर्वे करके, तो वहाँ में वहाँ ने एक ने एक रिपोर्ट दी कि ये जैसे यूरोप में अक्सर शराब पिए तो शराब को जो प्याला हुए हमें वो कुछ सोडा वाटर डालें कि क्या कुछ डालें और फिर शराब डालें वो मिला के पिए, वह के कारण बड़ो झाग आवे डालें तब। तो छोटे बच्चा ने वो देखते रहे तो भैया पैग में जा बखत शराब डाली जाए तब खूब झाग आवे। तो एक दिन वह पहली बार समुद्र किनारा दिखाने ले गए और उनने पूछे ये क्या है, उनने कही पैग है। वो उभरे ना लहर लगे कि ये कोई बड़ो पैग है, घर में छोटे छोटे पैग है, ये कोई बड़ो पैग है जहाँ में खूब उभर रहे हो कुछ कुछ। तो वहाँ वो बात बच्चा को या अर्थ में बताई गई है लिंग्विस्टिक में कि जो मीनिंग है वो आपको ओवर एक्सटेंशन है, एक्चुअली इतना एक्सटेंड करने की मीनिंग की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि पैग भी छलके है और समुद्र भी छलके है, पर हर छलकती चीज को पैग नहीं कहा जा सके क्योंकि पैग बड़ी क्षुद्र वस्तु है और सागर जो है तो बहुत महान वस्तु है। तो वो ऐसे ही हर किनारा पे छलकते सागर को अपन पैग समझ लें तो बचपना है एक जात को, वा बचपना पे अपने को काबू पाना चाहिए। ये बात मूल समझने की है कि किनारा सो इनकार नहीं करना है, पर क्योंकि किनारा को इनकार करेंगे तो अपने को सागर को अनुभव होएगा नहीं, पर साथ ही साथ किनारा के खंडन में सागर को खंडित मानने की भी कभी भूल अपने को नहीं करनी चाहिए। उतनी सावधानी रख के और सारी बात सुनोगे तो महाप्रभु जी को अभिप्राय क्या है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नवमे के बाद कल अपन ने यहाँ तक किया तो कि आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान जो है वो आराध्यत्व प्रकारक ज्ञान जो है वो भक्ति है। वह में सादर भीति तक के जो फैक्टर्स हैं वो नॉर्मली दुनिया की बोलचाल की भाषा में भक्ति को जा तरह सो सोचो या समझो जाए है वह तरीके फैक्टर्स थे। और जो कर्म ज्ञानोपयिक निष्ठा या कर्म ज्ञान लभ्या निष्ठा यहाँ सु जो भक्ति के स्वरूप हैं उन स्वरूप को शास्त्री स्वरूप शास्त्री परिभाषा शुरू हुई है। ये कोई कोई अलग अलग संप्रदाय वाले ने कोई कोई अलग विद्वान ने जिनने भी भक्ति के बारे में चिंतन कियो है वहाँ में से ये सब मैंने कंपाइलेशन कियो है, या मैं मेरो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब पूर्व विचारकन को पूर्व संप्रदायन को। जो मैं बात यहाँ समझाना चाह रहे हूँ वो सिर्फ इतनी कि ये सारे जो अन्य अन्य संप्रदाय के द्वारा दिए गए भक्ति के स्वरूप हैं उन स्वरूप में महाप्रभु जी को पाछो जो महाप्रभु जी को जो पाछो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण यही ढंग को है कि जैसे वहाँ सिद्धांत मुक्तावली में कहा है ना कि तदे वैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम्, तदे वैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम्, माने मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नैकधा तदे वैतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम्। मतलब क्या कि वा ब्रह्म को जो ब्रह्म जगत के रूप से परिणत भयो है जाने जागतिक नाम रूप कर्मन को प्रकट कियो है अपने में, वो जागतिक नाम रूप कर्मन को प्रकट करने वाले ब्रह्म को कोई लोग प्रकृति समझे हैं, कोई लोग जो है वो परमाणु समझे हैं, कोई लोग जो है वो अभाव समझे हैं, कोई लोग माया समझे हैं, कोई लोग पुरुष समझे हैं, कुछ कुछ समझे हैं, जो भी कुछ समझ रहे हैं
वाकु महाप्रभु जी इनकार नहीं करना चाह रहे हैं, इनकार नहीं करना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी वहां सिर्फ यही बात कहना चाह रहे हैं कि तदेव एतत् प्रकारेण, यदि तुमको परमाणु रूप से जगत पैदा हो तो लग रहे हो है, तो मन को आश्वस्त रखो कि ब्रह्म परमाणु बन्यो है और वह परमाणु से ये जगत बन्यो है। तुमको प्रकृति से जगत पैदा हो तो भयो लग रहे हो है, कोई कारण से तुम्हारा जो मेंटल सेटअप है वह मेंटल सेटअप के कारण तुमको ऐसे लग रहे हो कि नहीं ये प्रकृति से जगत परिणत भयो है, तो महाप्रभु जी आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि वो प्रकृति रूप से पहले परमात्मा बन्यो और वह प्रकृति में से जगत बन्यो। यदि तुमको लग रहे हो कि नहीं नहीं प्रकृति नहीं है परमाणु नहीं है ये तो माया से बन्यो, महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, वो माया रूप से पहले ब्रह्म बन्यो है फिर माया से जगत उत्पन्न हो गयो। तुमको लग रहे हो कि नहीं न माया है न परमाणु है न प्रकृति है, पहले तो अभाव है तो वह अभाव में से ये भाव पैदा भयो, पहले नहीं है तो और हो गयो पैदा। एक क्रिश्चियनन को यहूदीन को मुसलमानन को भी ऐसा ही सिद्धांत है कि पहले कुछ भी नहीं है तो और वहां में से जगत भगवान ने पैदा कर दियो, तो वहां में से जगत भगवान ने पैदा कर दियो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं है तो वो अभाव को जो स्वरूप है वो ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म है तो ना सदासीत नो सदासीत तमा आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, तो ना सदासीत नो सदासीत ये जो अभाव है तो वो अभाव रूप भी ब्रह्म है, तो यह बात को तुम समझो। तदेव एतत् प्रकारेण, कोई लोग कहें कि नहीं नहीं ये सब नहीं है, सबसे पहले सृष्टि के पहले जो या के पहले सृष्टि हती वा सृष्टि में किए भय जीवात्मान के जो कर्म हते वो जा बखत सृष्टि को प्रलय भयो वा बखत वो सारे कर्म को जो जैसे चौपड़ा में आपके दोनों टांटियां मिलने चाहिए, जब अकाउंट क्लोज हो गए तो टांटियां मिलना चाहिए ना, वो क्या है कि जा बखत अकाउंट क्लोज भयो और वो टांटियां मिले नहीं, कोई को सुख को अनुभव बाकी रह गयो कोई को दुख को अनुभव बाकी रह गयो और जगत को प्रलय हो गयो, तो वो कर्म बाकी रह गए और फल मिले नहीं। कर्म जो है वो क्या है, आवक जावक जो हुए ना, तो ऐसे कर्म और फल को आवक जावक इनकम और एक्सपेंडिचर के तरह रखो, तो वो जो कर्म कियो है वह अनुसार फल मिलना चाहिए। पर भाई जा दिन ये चौपड़ा बंद भयो वह दिन कर्म रह गयो, वो पैसा वहां दिख रहे हो और खर्च वाको फलानुभव में दिख नहीं रहे हो, तो वो जो बचे रह गयो वो जैसे ऑडिटर पकड़े ना कि ये पैसा कहाँ गए बताओ, ये जो पैसा बचे वो गए कहाँ बताओ, ऐसे जो है वो कर्म को जो बाकी रह जाए है कर्म शेष रह जाए है वह कर्म शेष के प्रेशर के तहत फिर से जगत पैदा हुए है। कोई लोगन को ऐसा सिद्धांत है क्योंकि कर्म जो है वो अपने फल को तो देगो ही और वो कर्म अपने फल को देगो या लिए जगत फिर से पैदा हो जाए है। महाप्रभु जी कहें कोई चिंता की बात नहीं है, यदि तुमको जगत की उत्पत्ति की व्याख्या कर्म शेष से उत्पन्न होने के रूप में करनी है आनंद से करो, पर यह बात समझो कि वो कर्म शेष जो है तो वो ब्रह्म है। तदे वही तत्प्रकारेण भवती इति श्रुतिर्मतम, एक्सेक्ट ये जो ब्रह्म के बारे में जा तरह से महाप्रभु जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने भी भक्ति की धारणाएं हैं ये बात ध्यान से समझियो, यहां भक्ति की बहुत सारी अगड़म बगड़म भी धारणाएं वानर राय की, उन धारणा की मैं बात नहीं कर रहे हूं, ये वानर राय की धारणा की मैं बात नहीं कर रहे हूं, मैं मनुष्य के धारणा की बात कर रहे हूं। वानर राय की धारणा तो फिर अकांड तांडव है, वहां में तो महाप्रभु जी बेचारे घबरा जाए, तो वहां में तो महाप्रभु जी भी भाग जाए कि भाई भागो अब यहां से, वह धारणा की मैं नहीं बात कर रहा हूं, जो मनुष्य की धारणा है भक्ति के बारे में उन धारणाओं की मैं बात कर रहा हूं। तो उन धारणाएं भक्ति की जो धारणा है उनके बारे में महाप्रभु जी स्पष्ट ये कह रहे हैं कि वो चाहे जैसी धारणा हो वो सब धारणा के जो स्वरूप हैं, धारणा से जो प्रकट होते स्वरूप हैं भक्ति के, वहाँ में अखंड एक भक्ति को सागर
लहरा सके है नहीं लहरा सके ऐसी बात नहीं है करके जो अन्यान्य संप्रदाय ने भक्ति की जो अच्छी व्याख्याएं प्रस्तुत करी हैं अच्छी या अर्थ में नहीं कि अपने को पूर्णतया मान्य है पर अच्छी या अर्थ में कि वहां में भक्ति के स्वरूप को खंडन नहीं भयो भक्ति को स्वरूप जो भक्ति को अखंड स्वरूप है वहां में खंडित नहीं भयो है लहरा रहो है वहां लहरा सके है भक्ति को स्वरूप लहरा सके है तो महाप्रभु जी के हिसाब से वहां भक्ति वो उनके द्वारा दी गई भक्ति की परिभाषा महाप्रभु जी के हिसाब से मान्य हो सकेंगी। जैसे आपको खुलासा के तौर पे ये बात बताना चाहूंगा कि जैसे महाप्रभु जी यूं कहें कि यदि तुम कोई देव को सकाम भज रहे हो तो वहां में ब्रह्म प्रकट नहीं होएगो पर ब्रह्म की कोई शक्ति प्रकट होएगी पर कोई भी देव को जा देव को अपन क्षुद्र देव कह रहे हैं वह क्षुद्र देव को भी तुमने निष्काम भजन कियो तो वहां में ब्रह्म प्रकट हो जाएगो। ये एक महाप्रभु जी को दृष्टिकोण है कि यदि तुमने निष्काम भजन कियो कोई भी जाको अपन क्षुद्र देव मान रहे हैं वह क्षुद्र देव को भी तुमने निष्काम भजन कियो तो वहां में ब्रह्म प्रकट हो जाएगो। तो ऐसे ही जो निष्काम भक्ति के जो भी स्वरूप हैं जो भी परिभाषाएं हैं वो अपन पूर्णतया वह को स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है पर निष्काम भक्ति की जो भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषा में भक्ति को सागर लहरा रहे है छलक रहे है छलक सके है। शर्त सिर्फ महाप्रभु जी एक कहना चाहेंगे कि वहां वाकू कैद मत मान लीजो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी देव में अपन ब्रह्म को कैद नहीं कर सके सारी देवन की जो आदि दैविकता है वहां में ब्रह्मत्व को सागर लहरा सके है आनंद से। या बात को भूलना नहीं चाहिए जितने भी देव हैं उनकी आदि दैविकता में ब्रह्मत्व को जो सागर है वो जैसे लहरा सके है बशर्ते तुम्हारो एप्रोच वहां निष्काम भक्ति को होए। तो कृष्ण के बारे में भी महाप्रभु जी में ये दमखम है कृष्ण के बारे में भी महाप्रभु जी में ये दमखम है श्री गोसाई जी में ये दमखम है कि वो ये बात कहवे हैं कि कृष्ण को भी यदि तुम सकाम भजन कर रहे हो तो वो श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं हो के क्षुद्र देवता है एक क्षुद्र देव है वो। यदि तुम कृष्ण को सकाम भजन कर रहे हो तो वो श्री कृष्ण कृष्ण नहीं रह के एक कोई क्षुद्र देव हो गए हो। बहुत सारे 33 करोड़ क्षुद्र देव है वहां में कि श्री कृष्ण भी क्षुद्र देव है वह वक्त जो तुम्हारो भजनीय कृष्ण है वो ब्रह्म नहीं रह के क्षुद्र देव हो गए हो। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है तो या सिद्धांत के ही तहत बस वह मॉडल को जरा बराबर अपने दिमाग में ठंसा के और चलोगे ना तो ये बात भी समझ में आ जाएगी कि भक्ति के जो भी निष्काम स्वरूप हैं वो निष्काम स्वरूप में महाप्रभु जी के हिसाब से स्पष्ट यह है कि पुष्टि भक्ति को सागर लहरा सके। ये स्पष्टता अपने को बराबर समझ लेनी चाहिए वा के साथ अपन आगे बढ़ें। जो दसमो आपने यहां लिखे हुए है तैल धारावद अविच्छिन्न ध्रुवानुस्मृति ये रामानुज संप्रदाय को भक्ति को रामानुज संप्रदाय को अभिमत भक्ति को स्वरूप है। भक्ति माने क्या ध्रुवानुस्मृति देखो बहुत सुंदर शब्द है जैसे तेल धारा तेल की अपन धाराएं डालें तो हमें कंटिन्यूटी आवे वो तेल की धारा के जैसी अविच्छिन्न जामे बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा करके बूंद नहीं बन जाती होए एक कंस्टेंटली कंटिन्यूटी जा धारा की रहती होए ऐसी धारा के जैसी अविच्छिन्न ध्रुवा
अनुस्मृति ध्रुव, ध्रुव माने परमानेंट, और अनुस्मृति माने तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वह काम के साथ वो स्मरण लगे भयो है। जो भी काम कर रहे हो वो काम करते रहो, पर वो स्मरण तुम्हारो कभी खंडित नहीं होते हुए ऐसे प्रभु की तेल धारावद अविच्छिन्न ध्रुवानुस्मृति जो है वो भक्ति है। ये रामानुज संप्रदाय को भक्ति को स्वरूप है, ये बड़ा मीठा स्वरूप है। हमें कोई आप दे सको कि वानर राय जैसा लक्षण नहीं है, ये भक्ति को मनुष्य के द्वारा दिए गए भक्ति को लक्षण है। तो या भक्ति के लक्षण में महाप्रभु जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों आपत्ति नहीं होगी? स्वरूपानुसंधान महाप्रभु जी कहें कि नहीं कहें? स्वरूपानुसंधान स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निबद्धते कहें कि नहीं कहें? जाकु अपन मानसी सेवा कह रहे हैं, वो क्या है? ध्रुवानुस्मृति जैसी तो है, अखंड एक स्मृति बनी रहे, वो ध्रुवानुस्मृति है। जो राजा आस्करण दास जी की वार्ता में प्रकट भई कि लड़वे जा रहे थे पर सेवा पूरी नहीं हो सकी थी, और सब दीवान और सारे कमांडर हल्ला मचा रहे थे कि भाई यहाँ सेवा ही कर रहे हो तो लड़वे कौन आएगा, और सेना के सामने जो विरोधी पक्ष की सेना है वो अब वो माने रनिंग कमेंट्री आ रही थी कि अब यहाँ तक पहुँची। और दीवान और सब बेचारे परेशान रहते कि सेवा में ही बैठे हुए अब करनो क्या। अंत में निकली चलो भाई चलूँ तो श्रृंगार करके और फिर उठे, पर भोग धर नहीं सक रहे थे। तो भोग धरने को जो मानसिक उनको भाव है तो घोड़ा पे बैठे हुए भी चालू ही रहे, लड़वे जा रहे थे तब भी। ये ध्रुवानुस्मृति है, लड़वे जा रहे हैं, मारवे जा रहे हैं, मरवे जा रहे हैं, पर वो सेवा जो है भोग धरने की हो नहीं पाई, वो सेवा चालू रही। मैं अक्सर ऐसे कहूं कि कोई अपने को गाली दे दे और अपन जवाब नहीं दे पाए तो गाली कैसी गूंजे दिमाग में, जवाब दे दें तो हल्को हो जाए अपनो दिल, पर अपन कोई कारण से समझे गाली को जवाब नहीं दे सके फिर वो गाली गूंजती रहेगी, ध्रुवानुस्मृति हो जाए कि तैल धारावत अविच्छिन्न। अरे बाद में लोग बैठे बैठे याली हम नहीं बोले, हमसु ऐसी असभ्यता नहीं हो है, याली हमने जवाब नहीं दियो, बाकी दे देते। अरे वह दे देते तो दिमाग खाली हो जाता, दिल खाली हो जाता, हल्को हो जाता, नहीं दियो करके वो चालू रहेगो जिंदगी भर, मरोगे तब तक वो छूटेगो नहीं। वो तो गाली दे के छूट गयो, पर तुम जो जवाब भी गाली नहीं दे सके वो गाली तुम्हारे मन में जब तक मरोगे न तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी, ऐसी हाल हो जाए। तो वो ध्रुवानुस्मृति का स्वरूप है। बाद में जो अपने चुभ गई बात, सागर जो चुभ जाते है चित्त में कोटि उपाय करो पे टरेना, तो जो सागर जो चुभ जाते है चित्त में कोटि उपाय करो पे टरेना, वह चुभ गई बात सवा की ध्रुवानुस्मृति बनी जाए, तो ऐसी ध्रुवानुस्मृति कभी प्रभु की बन जाए तो रामानुजाचार्य कहे हैं, श्री रामानुजाचार्य वहां का नाम भक्ति है। बड़ी मीठी परिभाषा भक्ति की है, और या ध्रुवानुस्मृति की भक्ति की परिभाषा को महाप्रभु जी भी दिल से मानना चाहेंगे, कोई अमान्य करने को कोई प्रश्न नहीं है। पर एक बात ध्यान समझो कि ध्रुवानुस्मृति नहीं हो रही है वा बखत जो भी कुछ अपन कर रहे हैं वो भक्ति है कि नहीं है। मने अपन पहले की शुरुआत के मने जो सीढ़ी है वहां पे पहुंच जाए थोड़ी देर के लिए, शुरुआत की सीढ़ी अपनी धारणा होती, धारणा में ध्रुवानुस्मृति नहीं है, ध्रुवानुस्मृति नहीं है फिर भी वह धारणा को भक्ति कहनी कि नहीं कहनी। यदि कोई भक्त्यात्मिका धारणा है, यदि कोई भक्त्यात्मक निश्चय है, यदि कोई भक्त्यात्मिका कृति है, तो वह कृति को भक्ति कहनी कि नहीं कहनी? सिर्फ इतने से अपराध सु कि ये हमें ध्रुवानुस्मृति नहीं काम कर रही है वह को भक्ति तरीके हम मान्य नहीं रखेंगे, ऐसे कहनो भक्ति की जो अखंडता है वह को खंडन है। एक महज धारणा भी एक भक्ति रूपा धारणा, एक भक्ति रूप निश्चय जो मैंने आपको कल बताया तो कि कवि ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो टेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीकि लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकि लगी न लगो तो भले एक निश्चय है, ये भक्ति है कि नहीं?
ध्रुवानुस्मृति नहीं रहती हो तो नहीं रहती हो, कोई चिंता की बात नहीं है। एक निश्चय तो है ना अपनो कि कवि ठाकुर प्रीत करी है गोपाल से, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले। ध्रुवानुस्मृति नहीं है पर एक निश्चय तो है ना, ये निश्चय भक्ति है कि नहीं है? हो सके ये निश्चय भी भक्ति हो सके तो अपन ध्रुवानुस्मृति के किनारा पे भक्ति के अखंड सागर को खंडित नहीं करना चाहेंगे, पर भक्ति के अखंड लहराते सागर की कुछ लहरें ध्रुवानुस्मृति के भी किनारा पे लहरा सके हैं, या बात को अपन इनकार भी नहीं करना चाहेंगे जो श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति को स्वरूप बतायो। या सबके लिए मैं, ये तो मैंने आपको बोलचाल की भाषा में, क्योंकि सबको पता नहीं, मेरे को अभिशाप है कछु के मैं कुछ भी बोलूं सबको कठिन लग जाए। क्यों कठिन लगे पता नहीं, मुझको ये कठिन लगे, कठिन क्यों लग गया आपको समझ लो। टेक्निकल जो शास्त्र की परिभाषा है, या शास्त्र की परिभाषा में मैंने लक्षण की अतिव्याप्ति अव्याप्ति जो कही जाए, दोष को परिहार करना, बाकी टेक्निकलिटी पे थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वह टेक्निकलिटी पे ध्यान टेक्निकलिटी पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि भगवान की बात तो जाने दो, भगवान की बात तो जाने दो, हर व्यक्ति को चाहे वो कितनों भी गाफिल होए अपने आप के सेल्फ अवेयरनेस चाकु अपन के हैं, बाकी ध्रुवानुस्मृति होवे कि नहीं होवे, हर व्यक्ति में जो सेल्फ अवेयरनेस है बाकी ध्रुवानुस्मृति है कि नहीं, थोड़ी टेक्निकल बात बता रहे हूं, ध्यान से समझोगे धीरज से तो बात समझ में आएगी कि जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस माने मैं हूं या तरीके को जो अपनो भाव, वो मैं हूं या तरीके का जो अपना भाव है, वो भाव अपन लड़ते होए तो, रोते होए तो, भागते होए तो, भगाते होए तो, मरते होए तो, जीते होए तो, बल्कि सोते होए तब भी कायम तो रही है। क्यों अपन सो रहे हैं, समझो नाक के खुर्राटाएं बोल रहे हैं, सारी दुनिया जग रही है, अपन सो रहे हैं, कोई अपना नाम लेकर बुलावे कर भाई बहुत जोर से खुर्राटाएं चल रहे हैं तो अपन समझ जाएंगे कि नहीं कि अपनी बात हो रही है। एक रहस्य की बात बता रहे हो, तो ध्रुवानुस्मृति तो अपने में कायम है, अपने को अपनी ध्रुवानुस्मृति है, अपने को अपनी ध्रुवानुस्मृति है, पर क्या अपन ये कह सकें कि अपन अपने भक्त हैं? बहुत मुश्किल है। गाम मेरो भक्त हुए ये तो सबको पसंद आवे, पर मैं मेरो भक्त कभी नहीं हो सकूं। गाम मेरो भक्त हुए, गाम मेरी जो गलती है वो जान नहीं पावे, जो मेरे छोटे से भी थोड़े से भी गुण हैं उनको खूब एनलार्ज कर कर के फुग्गा की तरह फुला फुला के बड़े बना के दिखाऊं और गाम मेरो भक्त हो जाए ये तो मुको पसंद आवे, तो मैं अपने आप को भक्त नहीं हो सकूं। एक बहुत अच्छा शेर कहो है, अपनी नजरों में गुनहगार न होते क्यों कर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। क्योंकि जो भी कुछ अपन ने गुनाह किए होए वो गामसु छुपा सकें, गामसु अपने गुनाह अपन छुपा सकें पर दिल से छुपा सकें? दिल तो कहता ही हो कि यार भले जो कियो से कियो है तो गुनाह, तो अपनी नजरों में गुनहगार न होते क्यों कर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। जो अपना विरोधी पक्ष है वो जो साक्षी लावे ना ढूंढ ढूंढ के, क्या हमने देखे तो इनने चोरी करी थी, हमने देखे तो इनने पाकिट मारी थी, हमने देखे तो इनने हत्या करी थी, जो मुखालिफ के गवाह हैं ऐसो खुद अपना दिल ही हो वे। दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह, अपनी नजरों में गुनहगार न होते क्यों कर।
आदमी अपनी नजर में तो गुनहगार ही हुए है, चाहे दुनिया में कितने बड़े संत तरीके पूछ जाए। ये कोई एक की कथा नहीं है, अपन सब अपने दिल पे हाथ रख के देखे ना, तो वो दिल ही दुश्मन है हो। या बात को मत भूलियो, कोई को कहने की जरूरत नहीं है, कोई को समझने की जरूरत नहीं है, कोई के गुनाह की इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल से पूछ लो कि भाई क्या रिपोर्ट है, और बता देखो कि यार भगवान बनने लायक तुम हो तो नहीं। अब गांव को भले चीट करते हो कि हम पुरुषोत्तम है, वो कथा अलग है। वो कथा अलग है कि गांव को तुम कह दो कि हम साक्षात पुरुषोत्तम है, हमको पुरुषोत्तम मानो, पुरुषोत्तम नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे तुम और बहिर्मुख हो जाओगे। अरे वाह, तुम अपने को तो कहो एक दिन सच्ची ऐसे भयो। ये बड़ी मजेदार बात बता रहे हो कि कोई ने लिख दियो कोई महाराज जी के लिए कि वो साक्षात पुरुषोत्तम है, तो मेरे मन में भी सोक्रेटिस जग गयो। सोक्रेटिस जग गया तो मैं महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी ने मुझसे कही के ये जो किताब छपी है वामे तुम्हारो क्या अभिप्राय। मैंने कि भाई वैसे तो किताब काफी अच्छी है, या किताब में यो लिखियो है कि जो आपको पुरुषोत्तम नहीं माने वो नरक गामी होएगो। तो मेरे मन में थोड़ी संदेह ये हो रहे हो है कि आप अपने आप को पुरुषोत्तम मान रहे हो कि नहीं। जो नहीं मानो तो नरक गामी। अब वो महाराज की बेचारी की बड़ी दयनीय अवस्था हो गई। मैंने कि हाँ ऐसी थोड़ी कुछ गलतियां इसमें, मन बस इतनी सी गलती और कुछ मैं भी नहीं कह रहा हूँ। मन की यार ये तो खुलासा कर दे कि आप खुद अपने आप को पुरुषोत्तम मान रहे हो कि नहीं, या किताब में लिखे हुए हो कि आपको जो पुरुषोत्तम नहीं माने वो सीधो नरक में जाएगा। तो यार खुल के कुछ बता दो कि आप अपने आप को पुरुषोत्तम मान रहे हो, नहीं मान रहे हो तो आप भी नरक गामी हो। हाँ ये थोड़ी सी जाती है, अतिशयोक्ति है कि बस। अब ठीक है, अब समझ गए सारी बात। अपनी नजरों में गुनहगार न होते क्यों कर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। दिल दुश्मन है अपनो, ये दिल अपनो दुश्मन है। वो कभी अपने को भजनीय तरीके अपने आप अपनी निगाह में अपन अपने भजनीय हो नहीं सके हैं। गांव के लिए अपन भजनी बन जाएं वो कथा अलग है। वह कथा में अपने को कोई आपत्ति नहीं है, वह कथा से अपने कोई लेना देना नहीं है, पर अपने आप अपने भजनी हो नहीं सके हैं। ये भजनी हो नहीं सके हैं पर ध्रुवानुस्मृति तो अपने को अपनी रहे कि नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट आपके समझ में आई ना कि ध्रुवानुस्मृति है और ध्रुवानुस्मृति होने के बावजूद भी अपनी भजनीयता अपने लिए प्रकट नहीं हो रही है, ये या को ड्रॉबैक है। फिर से आपको याद दिवाऊं कि ये ड्रॉबैक है या के लिए लक्षण खोटो नहीं है, ये लक्षण अधूरो है। ये लक्षण मिथ्या नहीं है, ये लक्षण अप्रामाणिक नहीं है पर अपूर्ण है। यहां भी भक्ति प्रकट हो सके है, पर हर केस में जहां भी ध्रुवानुस्मृति है वहां भक्ति को सिद्धांत स्वीकार्य नहीं जा सके, या तरीके की टेक्निकल कुछ डिफिकल्टी या प्रपोजल में अपने को स्पष्ट समझ नहीं हो तो समझ सके हैं। बात आई ना रसिक भाई ख्याल में, ये लॉजिकल बात है पूरी। या के बाद बहुत बम्बास्टिक वर्ड है, आप मेरे को साथ दोगे धीरज सु तो ही समझ में आएगो। वो है जीवोपाद ध्यनवच्छिन्न चैतन्य रूप दुखात्यंता भावोपहित स्वयं प्रकाश मानता। ये शंकर संप्रदाय में भक्ति को स्वरूप या तरह से माने गए। अपन गए बरस के अपने सत्र में यह बात को देख चुके थे कि मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशक। तो मायावाद के निराकर्ता होते भाई भी
मायावाद की सर्व बात निराकरणी नहीं है, या मायावाद भी जा अर्थ में निराकरणी है वा अर्थ में निराकरणी है, सारे अर्थन में मायावाद भी निराकरणी नहीं है, ये बात मैंने गए साल आपको बहुत विस्तार से समझाई थी। जिनको नहीं याद हो तो कैसेट सुन के देख लीजिए कि कब महाप्रभु जी के हिसाब से साकार ब्रह्मवाद अनुसरणीय है और कब महाप्रभु जी के हिसाब से साकार ब्रह्मवाद निराकरणी बन जाए और मायावाद अनुसरणीय बन जाए, ये बात मैंने गए साल विस्तार से समझाई थी। वाकई विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर वही तरह से ये जो भक्ति की परिभाषा है शंकरन की, अच्छी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है। जैसे श्री रामानुजाचार्य की परिभाषा भक्ति की अच्छी परिभाषा है, ऐसे ये परिभाषा भी शंकरन की बड़ी अच्छी परिभाषा है। और सारे शंकर नहीं कहे, कई शंकर हैं अलग अलग ढंग से भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं, पर वो कई तरह के प्रकार से भक्ति जो परिभाषित करी जाए है वह संप्रदाय में, वह में यह प्रकार सबसे श्रेष्ठतम प्रकार है, वह के लिए वह को मैंने यहाँ ग्रहण कियो। और भी तीन चार प्रकार से वो लोग भक्ति को परिभाषित करें, उन सबको मैंने ड्रॉप कियो है। और यही लिए मैंने कल आपको बताया तो कि यहाँ जितने मैं फैक्टर बता रहे हूँ भक्ति के, वो मैंने टोटल नहीं है, एक्सक्लूसिवली सारी बात नहीं है, कोई मैं तो आपको एक सैंपल के तरह कुछ कुछ किनाराएं दिखा रहे हूँ, और भी बहुत सारे किनारा भक्ति के हो सके हैं। ये किनारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा किनारा है, और जहाँ महाप्रभु जी के हिसाब से भक्ति को सागर आनंद से लहरा सके है। यद्यपि ये परिभाषा भक्ति की अपने को मान्य नहीं है। दो बात को सावधानी से समझिए, अपन बाकी एनालिसिस समझ लें तो बात साफ हो जाएगी। शंकर संप्रदाय में जो ब्रह्म है वो आकाश के जैसो है, आकाश के जैसो खुलो निराकार निर्गुण निर्धर्मक निर्विशेष, जा में कोई गुण नहीं है, जा में कोई आकार नहीं है, जा में कोई क्रिया नहीं है, जाको कोई रूप नहीं है, जाको कोई रंग नहीं है, बावजूद या के वह आकाश में अपन एक घड़ा बना दें, अपन एक लोटी बना दें, अपन एक गिलास बना दें, अपन एक कुल्हड़ा बना दें, या वो दिवाली के आपके दीवड़ा बने वो दीवड़ा बना दो, तो जो जो आप शेप बना दोगे वहां में वो शेप में आकाश पाछो भरा है रहे है कि नहीं रहे। ये जैसे अपन ने हॉल बना दियो, तो अब यह हॉल में आप देखो कि एक आकाश है, लंब चौरस आकाश। अब ये जो लंब चौरस पनो या आकाश को आयो है या हॉल के कारण, वो हॉल को गुण है कि आकाश को गुण है? अब दिमाग चकरा जाए, क्यों कि आकाश नहीं होए तो हॉल लंब चौरस नहीं हो सके, और लंब चौरस हॉल नहीं होए तो आकाश में ये लंब चौरस आकार आ नहीं सके। तो ये औपाधिक आकार है, उपाधिक आकार माने जैसे गोल घड़ा है तो आकाश वाके भीतर गोल होएगो, लंबो दीवड़ा है तो आकाश वाके भीतर लंबो हो जाएगो, लोटी अपन ने बनाई तो लोटी के भीतर लोटी के आकार को आकाश आ जाएगो, गिलास बनायो तो गिलास में गिलास के आकार को आकाश आ जाएगो। आकाश को आकार अपनो खुद को आकार नहीं होके जा उपाधि में वो प्रकट भयो है वह उपाधि को वो धारण करे है, वो औपाधिक आकार कहवावे। ऐसे ब्रह्म जो है वो सारे गुण धर्म आकार अंशु रहित होते भय भी प्रत्येक जीव में जीव के तरह से वो प्रकट हुए है औपाधिकतया। और वो औपाधिकतया जो प्रकट हुए है वो उपाधिसु अवच्छिन्न होके जो आकाश है, घड़ा की या लोटी की या गिलास की या हॉल की उपाधि से अवच्छिन्न होके आकाश है, वहां में तो क्षुद्रताएं रहेंगी रहेंगी और रहेंगी।
वहां में तो क्षुद्रता रहेंगी, पर वह उपाधिसु अनवच्छिन्न जो आकाश है, जैसे अपन जूह के किनारे जाके खुले मैदान में जाके आकाश को देखें, तो फिर अपने को आकाश में वो जो लोटी गिलास और मटका के भीतर जो आकार दिख रहे हैं वो आकार नहीं दिखेंगे। पर एक बात समझो, क्योंकि अपन पृथ्वी पे खड़े भय करके पाछो आकाश अपने को गोल कढ़ाई जैसे तो दिखेगा। खुले मैदान में भी अपने को मुक्ति नहीं मिले है, अपन खुले मैदान में जाके खड़े हो जाएं और अपन इन छोटे छोटे आकार अंशु मुक्ति पालें, पर कोई एक बड़ा आकार पैदा हो जाए है तो वो बड़ो आकार भी मिथ्या है। हो शंकरन के मत में वो बड़ो आकार भी मिथ्या है। वो ऐसे जितने भी छोटे या बड़े आकार हैं, उन छोटे बड़े आकार अंशु मुक्त जो आकाश है, बाकी तो अपन कल्पना ही कर सकें, वह आकाश को देख पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि जब भी देखने जाएंगे तो कोई न कोई आकाश को आकार पैदा हो जाएगा, क्यों कि देखने को अपना कोई पॉइंट है और जो पॉइंट है वो आकाश को पाछो आकार प्रदान कर दे। आप में जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उनको अच्छी तरह से ख्याल होगा कि वो एक ले के अपन यूं बराबर चारों ओर लाइन कर दो तो सर्कल पैदा हो जाए, जाके पॉइंट सु हर जगह इक्वल डिस्टेंस हो जाए लाइन को, वो सर्कल बन जाए। तो ऐसे अपन जहाँ भी खड़े हुए वहाँ से चारों ओर को ब्रह्मांड इक्वल डिस्टेंस में अपने को दिखलाई दे करके आंखों ब्रह्मांड भी अपने को गोल दिखे हो। तो ये गोल जो दिख रहे हो है ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड को वास्तविक स्वरूप नहीं है। अपन खड़े हो गए हैं और अपन खड़े हो गए हैं और अपन अपने आप